हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज को शेयर करते हुए आ रहे हैं, जो कि हमारे डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में बहुत यूजफुल होती है। तो आज का वीडियो हमारा इसी चीज़ को लेते हुए कंटिन्यू है, जिसके अंदर हम GST पोर्टल द्वारा जो क्रेडिट लेजर मेंटेन किया जाता है उसको अपनी बुक्स के साथ कैसे रिकनसाइल करें वो करना सीखेंगे। GST पोर्टल हमारा क्रेडिट लेजर मेंटेन करता है हमारी ITC और हमारे पेबल के बिहाफ पे। ठीक उसी तरीके से हम अपनी बुक्स के टैक्स लेजर को मेंटेन करते हैं, और वो टैक्स लेजर हम GST पोर्टल के क्रेडिट लेजर के साथ कैसे मैच करें वो आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका अपडेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस, देर ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और सबसे पहले हम चलेंगे GST पोर्टल के ऊपर और समझेंगे कि ये क्या होता है क्रेडिट लेजर एंड उसको अपने बुक्स के साथ कैसे मेंटेन किया जाता है। तो गाइस, ये हमने GST पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर दिया। लॉगिन करते हुए मेरे पास लेजर के बैलेंस सबसे पहले शो होते हैं। इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर 7,142 रुपये है, 7,142 रुपीज़ IGST के कॉलम में शो हो रहे हैं, CGST, SGST बाकी सब कुछ जीरो है। अब हम अपने टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैं बैलेंस शीट को ओपन करता हूँ, बिकॉज मुझे टैक्स का पार्ट देखना है, तो किस में देखना होगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद मैं ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाऊँगा, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर मेरा 7,142 रुपये शो कर रहा है। यहाँ पे ये माइनस में शो कर रहा है। माइनस में शो करने का मतलब क्या है? ये मेरी लायबिलिटी नहीं है, मेरी असेट्स की तरह ट्रीट होगी, मतलब मेरी ITC है। गाइस, हमें वीडियो कंटिन्यू करने से पहले ये चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अकाउंटिंग के बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप अकाउंटिंग में किसी भी तरीके की सिचुएशन को काफ़ी हद तक सॉल्व कर लोगे, और अगर आपको और ज़्यादा बेसिक अच्छे से सीखना है तो हमारे मैनुअल प्लेलिस्ट सेक्शन में मैनुअल अकाउंटेंसी करके एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर जाके हमने टोटली मैनुअल अकाउंटेंसी और बेसिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 7,142 रुपये लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है, पर माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरी असेट्स है, मेरी ITC है। यहाँ पे भी 7,142 आ रहा है, दोनों चीज़ें मैच तो कर रही हैं, पर एक इशू है यहाँ पे जो भी आपके साथ होता हुआ कि यहाँ पे जब हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारे CGST, SGST में भी फिगर आ रही है और IGST में भी फिगर आ रही है, मतलब अभी हमने इन सब चीज़ों को सेट ऑफ नहीं किया है। मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है कि मेरी IGST की परचेज ज़्यादा है, पर मेरी जो सेल है वो किसकी है? CGST और SGST की। IGST आ रहा है डेबिट, डेबिट का मतलब है ये मेरी ITC है, क्रेडिट का मतलब है ये मेरी लाइबिलिटी है, पेएबल है, जो मैंने लोगों से कलेक्ट किया है। जब मैं माल खरीदता हूँ तो मैं टैक्स देके आता हूँ, वो मेरी ITC बन जाती है। जब मैं माल को बेचता हूँ तो लोगों से टैक्स लेता हूँ, कस्टमर से टैक्स लेता हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मेरी IGST मतलब मेरी परचेज की वैल्यू ज़्यादा है बाहर से, इंटर स्टेट से, और जो मैंने माल बेचा है वो लोकल में बेचा है, तो अभी हमने इसको सेट ऑफ नहीं किया है। पर यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि मैंने जो लेजर मेंटेन करे हैं वो खाली 3 लेजर मेंटेन करे हैं, CGST, SGST और IGST। पर अधिकतर होता क्या है कि आप लोग जो, आप लोग से मतलब मेरा है कि अकाउंटेंट भाई जो भी लेजर मेंटेन करते हैं वो अलग अलग स्लैब के अनुसार मेंटेन कर लेते हैं। CGST 6%, SGST 6%, फिर CGST 12, फिर SGST 12, इस तरीके से लेजर मेंटेन करते हैं, जबकि ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो में जाके वो देख सकते हैं, पर अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अमूमन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाली 3 ही लेजर मेंटेन करें, CGST, SGST और IGST। और अगर लेजर मेंटेन करते हो आप अलग अलग, तो आपको एक पहले एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसमें आपको एक सिंगल लेजर ही बनाना पड़ेगा, वो भी हम आपको करना सिखा देंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब क्या है कि सेट ऑफ की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है गाइस, ये हमारी IGST यहाँ दिखा रहा है। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम चलेंगे लेजर के ऊपर, सर्विस में लेजर आएंगे, लेजर में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे। ये 6 महीने के पीरियड के स्टेटमेंट को लेता है, फिर आपको 6 महीने का बाद में दोबारा डालना पड़ेगा। ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लेजर डाउनलोड कर दिया है। अब लेजर को पहले, सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए, 17/8 से लेकर 31/3/2019 तक का लेजर है। सबसे पहले लिखा होता है पीरियड, पीरियड का मतलब है जिस तारीख को मैंने रिटर्न फाइल किया। ये जो लेजर जो बनता है वो 3B के बिहाफ पे बनता है। किसके बिहाफ पे बनता है? GST या 3B जो हम फाइल करते हैं। कब मैंने फाइल किया? 20 तारीख को। ये किसकी डिटेल देता है हमें लेजर? हमारी ITC और हमारी पेएबल की डिटेल देता है। ITC जो मैंने परचेज किया, पेएबल जो मैंने उसको सेट ऑफ किया था। तो यहाँ ये पीरियड क्या है? अगस्त का पीरियड है। क्रेडिट का मतलब है जो मैंने ITC क्लेम की है। तो मैंने अगस्त के महीने में क्या ITC क्लेम की है? 344 IGST, 54 SGST और 54 CGST और 54 SGST। टोटल ITC क्लेम की है हमने 452। लेजर पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लेजर पढ़ना आ गया तो काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है GST को लेकर।
452 हमने टोटल आईटीसी क्लेम किया है। डेबिट का मतलब हो गया मैंने सेट ऑफ किया है, कितना सेट ऑफ किया 254 रुपये मैंने आईजीएसटी से सेट ऑफ किया, 54 रुपये मैंने सीजीएसटी से सेट ऑफ किया, 54 रुपये मैंने एसजीएसटी से सेट ऑफ किया और टोटल मैंने सेट ऑफ किया 362 रुपये। कितना सेट ऑफ किया 362 रुपये। मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 90 रुपये, मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो भी क्या हुआ आईजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है गाइस, क्या हुआ आईजीएसटी का, यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि टोटल 742 आ रहा है, जो कि मैंने अभी आपको वहाँ भी दिखाया था आईजीएसटी का है, आईजीएसटी के कॉलम में आ रहा है, बाकी सब 00 है। ठीक है, तो ये पढ़ना आना चाहिए। तो 90 रुपये हमने आईजीएसटी आगे कैरी फॉरवर्ड की। अब हम अपने टैली के ऊपर आते हैं, टैली के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, इसको मंथली कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा क्रेडिट लेजर जो लेजर मेंटेन होता है वो मंथली बेस पर होता है। तो इसके लिए हमें F6 की प्रेस करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे है, हम F6 की प्रेस कर देंगे, ये हमारा मंथली लेजर हमारे सामने आ गया। हमारी भी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड 90 रुपये ही हो रही है, पर अगेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, यहाँ सीजीएसटी के कॉलम में भी दिखा रहा है 127 रुपये, एचजीएसटी के कॉलम में भी दिखा रहा है 127 रुपये और आईजीएसटी के कॉलम में 344। डेबिट का मतलब है आईटीसी क्लेम करना है, क्रेडिट का मतलब है पेबल पे करना। ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब 452 रुपये हमारी, हमारा भी डेबिट 452 रुपये आ रहा है, 362 रुपये हमारा पेबल है, 362 पेबल आ रहा है। तो अब हमें इसे सेट ऑफ करना है आईजीएसटी से सीजीएसटी और एचजीएसटी को। तो इसके लिए मैंने एक टैली और ओपन कर लिया है, नहीं तो वो वहाँ पे आपको फिगर अच्छे से दिखती नहीं। इसके लिए हम वाउचर पे आएंगे, वाउचर में आने के बाद हम F7 की प्रेस करेंगे, जनरल में आएंगे, जनरल में आने के बाद हम F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम वो तारीख डालेंगे एंडिंग डेट जिस डेट की हमने रिटर्न फाइल किया है, मैंने 31/8/18 किया तो 31/8/18 यहाँ पे मैंने डाल दी। अब हम आते हैं अपने क्रेडिट लेजर के ऊपर, ये हमारा क्रेडिट लेजर है, यहाँ पे हमने 54 रुपये CGST 54 रुपये SGST से मेंटेन में सेट ऑफ किया और 254 रुपये हमने IGST से सेट ऑफ किया, टोटल 362 रुपये। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल 362 रुपये आ रहा है, जिसमें कि सेट ऑफ 54 हिस्से हो गया, 54 हिस्से। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या है, CGST का 127 रुपये क्लोजिंग बैलेंस है और SGST का 127 रुपये क्लोजिंग बैलेंस है। कितना है CGST का 127 और SGST का 127, जो कि मैं किससे सेट ऑफ करूँगा IGST से, क्योंकि मेरे पास खरीद किसकी है IGST की। तो हम ये एंट्री सिंपल सी पास कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। CGST को डेबिट करेंगे क्योंकि मुझे सेट ऑफ करना है, SGST को डेबिट करेंगे 127 रुपये और IGST को हम क्रेडिट कर देंगे 254 रुपये से, जो कि फिगर यहाँ पे आई है। हमने IGST से कितना सेट ऑफ करा है 254 रुपये सेट ऑफ करा है, वो फिगर अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई होंगे। ठीक है गाइस, ये मैंने सेट ऑफ कर दिया बीइंग अमाउंट ऑफ एक्सेस CGST, ये नरेशन आप कुछ भी डाल सकते हैं, SGST सेट ऑफ विद IGST। ये हमने एंट्री पास कर दी 31/8 जिस महीने की मैंने रिटर्न फाइल की। ओके, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये हम इसके लिए हम टैली पे आ जाते हैं और हम यहाँ देख लेते हैं। अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ अपने अगस्त वाले लेजर को दोबारा से एंट्री पास करने के बाद, तो देखिए ये सारा कुछ मेरा नेल हो गया और IGST खाली 90 रुपये रह गया। बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है और GST 9 में आपको बहुत दिक्कतें होंगी जिन्होंने प्रॉपर लेजर मेंटेन नहीं किया। अगर आपका क्रेडिट लेजर मेंटेन हो गया आपके बुक्स के लेजर के साथ, तो आपको GST 9 बनने में 1% की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये मेरा सेट ऑफ हो गया, CGST 0 है, SGST 0 है, खाली कैरी फॉरवर्ड क्या है IGST, जो कि मेरे क्रेडिट लेजर में भी कैरी फॉरवर्ड क्या है IGST। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा उस पर एक्सप्लेन नहीं करते और फटाफट से चलते हैं हम अपने अगले महीने की तरफ। अगले महीने पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेप्टेम्बर पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 108 रुपये CGST क्लेम की है, 108 रुपये SGST डेबिट साइड होती है ITC क्लेम करने की, 108 CGST क्लेम की है, 108 SGST क्लेम की और IGST 4,870 रुपये क्लेम की है, और क्रेडिट साइड में मुझे CGST के देने 1,170 और SGST के देने 1,170 रुपये। लेजर पे आते हैं, लेजर भी यही कह रहा है हमें 4,870 हमने IGST क्रेडिट का मतलब है कि हमने क्लेम किया है, डेबिट का मतलब हमने सेट ऑफ किया, 4,870 108 108, जो कि फिगर हमारी यहाँ पे भी है सेम ही फिगर 108 108 4,870 टोटल 5,086, यहाँ पे भी टोटल 5,086 है। ठीक है, 2,340 रुपये हमने सेट ऑफ कर दिए वहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे भी 2,340 सेट ऑफ है। अब मुझे कितने सेट ऑफ करने हैं, 1,062 CGST के, क्योंकि क्रेडिट आ रहा है ये हमें जीरो करना है और SGST भी आ रहा है क्रेडिट और मेरी खरीद किसकी है IGST की। अगेन हम अपनी दूसरी वाली टैली पे चलते हैं, वाउचर में जाएंगे, F7 की प्रेस करेंगे एंड डेट चेंज कर लेंगे 30/9/2018, ये क्लोजिंग डेट पे एंट्री पास हमें करनी है। तो CGST कितना है हमारा, हम यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, 1,062 1,062, क्योंकि हमने एक टोटल हमें देना 1,170 था पर 108 रुपये हमने ITC थी वो सेट कर ली, क्योंकि पहले CGST किससे सेट ऑफ होगा CGST से, फिर वो किससे सेट ऑफ होगा IGST से, इसी तरीके से SGST पहले किससे सेट ऑफ होगा SGST से,
फिर वो किससे सेट ऑफ होगा, आईजीएसटी से। पर यहाँ पे ये सेट ऑफ क्यों होगा आपस में, क्योंकि मैंने एक ही लेजर मेंटेन किया हुआ है, ये याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक लेजर मेंटेन किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको आसान लग रहा है। जब आप 3600 तरीके के यहाँ पे लेजर मेंटेन कर लोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके लिए हमें पहले उन सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक लेजर में, ठीक है। तो अब मुझे 1062 CGST और 1062 SGST, 1062 डेबिट SGST, 1062 एंड क्रेडिट CGST, 2124 क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हमने 2124 ही IGST से मेंटेन किए हैं, देखिए यहाँ पे सेट ऑफ कितने किए हैं, 2124 रुपये, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एंट्री को सेव कर दिया, नरेशन आप दोबारा से डाल देना, मैं अभी नरेशन ज़्यादा नरेशन पर फोकस नहीं करूँगा। अब हम अपने टैली पे आते हैं, बैक करते हैं और दोबारा से इसी सेप्टेम्बर के महीने को देखेंगे। तो गाइज हमारा क्या हो गया, ये सब जीरो हो गया और 2836 रुपये आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कैरी फॉरवर्ड होना, ITC होना। इलेक्ट्रॉनिक लेजर पे आते हैं तो ये यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ एंड इसको 90 रुपये को बोल्ड, जिससे कि आपको पता लग जाता है बोल्ड कर, मैं इसको येलो भी कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा 2836 रुपये IGST की कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और हमारी बुक्स क्या कह रही है, हमारी बुक्स भी यही कह रही है 2836 रुपये IGST की कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं सेप्टेम्बर के महीने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले महीने पे, अगस्त अक्टूबर पे, अक्टूबर में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, CGST की पर्चीज है 555, SGST 555 और मैंने IGST जो क्लेम कराया वो इतना, जो और मुझे देना कितना है CGST का 2424। आते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर पे, इलेक्ट्रॉनिक लेजर भी हमें यही कह रहा है 3738, 55 55 55 55, टोटल 4848। यहाँ पे हम आते हैं तो कितना है टोटल 4848 जो मुझे पे करना है, और मैंने ITC क्लेम कितने की है 7209 रुपये, जो कि मेरा यहाँ पे 7209 रुपये आ रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। अब मेरी आगे कैरी फॉरवर्ड कितनी हो रही है ITC 5197, 7209 में मैंने क्लेम की, 4848 मैंने दे दी, कैरी फॉरवर्ड कितनी है 5197, बहुत सिंपल है, कर लेते हैं। कितनी मेरे को पे करनी है 1869 CGST 1869, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है मतलब देना है, डेबिट आ रहा है मतलब कैरी फॉरवर्ड। अपनी टैली के ऊपर आए थे दोबारा से, F7 की प्रेस है, 3110 में करेंगे एंट्री, CGST को डेबिट करेंगे कितने रुपए, ये हम अपने दूसरी टैली को ओपन कर लेते हैं, 1869 1869, तो 1869 SGST 1869 एंड IGST हमारा 3738 रुपये, जो हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। देखिए ये आ रहा है IGST हमने कितना मेंटेन यहाँ पे करा है, एडजस्ट किया है 3738 रुपये, 555 CGST से दिए थे, 555 डेबिट का मतलब है देना है, क्रेडिट का मतलब है ITC क्लेम करना, टोटल 4848 दिए, कैरी फॉरवर्ड हो गया 5197। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये हमने कर दी। अब हम अपनी टैली के ऊपर आके देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो हम अक्टूबर के महीने पर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, CGST जीरो हो गया, SGST जीरो हो गया, 5197 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक लेजर पे आते हैं, 5197 कैरी फॉरवर्ड हो गया, मैंने इसको येलो कर दिया जो कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले महीने पर, नवंबर पर बैक चलेंगे, नवंबर में आ जाते हैं। नवंबर का क्या सिनेरियो है, 604 रुपये मैंने CGST के क्लेम किए थे, 604 SGST को, 3457 IGST के क्लेम किए थे, जबकि मुझे देना क्या है कुल 14 रुपये SGST के, 14 रुपये CGST के, ये हमें देने हैं कुल, ठीक है। इसके लिए हम अपने लेजर पे आते हैं, लेजर भी हमारा यही कह रहा है 14 रुपये CGST 14 रुपये ये देने हैं, क्लेम ये करा है 4665 रुपये क्लेम करें, 2800 रुपये देने हैं। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 4665 क्लेम किया, 2800 रुपये देने हैं। अब मुझे देने कितने हैं, 590 रुपये, ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेट ऑफ आ गया, अपने आप ही सेट ऑफ हो गया, यहाँ पे एंट्री पास करने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी समझ लेते हैं, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 600, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ध्यान देना, 604 रुपये यहाँ पे मैंने CGST क्लेम किया, 604 रुपये SGST क्लेम किया। बाकी केस में क्या हो रहा था, मेरे को CGST SGST ज़्यादा देना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने क्लेम जो करा था वो कम था, पर इस वाले केस में क्या हो रहा है कि मैंने क्लेम 604 करा है, मुझे देना कितना है 14, 604 SGST क्लेम किया, देना कितना है 14 रुपये, टोटल 2800 रुपये देना है। तो यहाँ पे मेरे को दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि IGST का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा, टोटल 4665 क्लेम किया, 2800 रुपये पे करना है। आगे कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया मेरा, 590 रुपये इसके, 590 इसके, 8654 रुपये IGST के। देख लेते हैं अपनी बुक्स के अंदर, 8654 IGST के, 590 SGST के, 590 CGST के, यही हमारा क्रेडिट लेजर यहाँ पे कह रहा है। तो इसको मेरे को यहाँ पे दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि मेरी जो ITC मैंने क्लेम की है और जो मैंने पे करना है वो कम है हर लेजर के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने दिसंबर के ऊपर, दिसंबर में क्या सीन है, 233 रुपये CGST क्लेम किया, 233 SGST क्लेम किया, जबकि देना 1178 है और 1178 इसका, IGST कितना क्लेम किया 1420 रुपये।
लीडर पे आते हैं, लीडर भी यही कह रहा है 1420, 233, 233, इसमें 510 रुपये हमने किससे पे करे हैं, IGST से पे कर देते हैं साहब। 255 रुपये CGST के, 255 रुपये SGST के पे करने हैं। दूसरी टैली के ऊपर आते हैं, 31/12 को ओपन कर लेंगे, CGST कितने 255 एंड SGST 200, 255 डेबिट SGST 255 और IGST कितना 510 रुपये, जो कि 510 रुपये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता हूँ कि 510 रुपये यहाँ पे IGST से पे करें। ठीक है, मेरी कैरी फॉरवर्ड क्या हो रही है, ITC 9564 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो रही है, देख लेते हैं हम अपने इसमें आके दिसंबर में मेरी कितनी हो रही है ITC कैरी फॉरवर्ड, 9564 रुपये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। यही एंट्री पास करने का तरीका है, सिंपल सा वे है, बहुत आसान है और प्रैक्टिकल है। अब आ जाते हैं जनवरी के ऊपर, यहाँ पे महीना लिखा होता है, सेट ऑफ कौन से महीने का है, जनवरी का। जनवरी के ऊपर आ जाते हैं साहब, जनवरी हमारा क्या कह रहा है, जनवरी कह रहा है कि 274 रुपये मैंने CGST क्लेम किया, 274 SGST क्लेम किया और 4,227 रुपये मैंने पे करना था CGST का, 4,227 रुपये SGST का पे करना था, 6,661 रुपये IGST मैंने ITC क्लेम की थी। चलो भैया इस पर चलते हैं, ये क्या कह रहा है जनवरी, यही कह रहा है जनवरी भी 9561 274 274, 9561 274 274, 4,227 देना है, 4,227 देना है। ठीक है, टोटल देना कितना है 8,454, टोटल लिया कितना 7,109। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, 7,109 लिया टोटल क्रेडिट, डेबिट 8,454, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 8,219 रुपये, IGST से सेट ऑफ कितना किया 7,906 रुपये IGST से सेट ऑफ किया है। तो चलिए सर इसकी एंट्री कर देते हैं, 31/1 में आएंगे, दूसरी टैली में देखेंगे, 9,353 रुपये CGST के देने हैं, 3,953 SGST के देने हैं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैलेंस को पढ़ना आना चाहिए। 3,953 डेबिट SGST 3,953, टोटल 7,906, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 7,906 रुपये IGST से सेट ऑफ कितने हुए 7,906। ठीक है, सेव हो गया ये एंट्री। अब हम आते हैं क्रेडिट लेजर पे, क्रेडिट लेजर हमारा क्या कह रहा है, 8,219 रुपये कैरी फॉरवर्ड हुए, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने रुपये आ रहे हैं, 8,219 रुपये, यहाँ पे आके हम देख लेते हैं, जनवरी को ओपन करेंगे, 8,219 रुपये IGST, ये कॉलम CGST SGST जीरो है मेरे, अभी तक मेरी ITC यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, अभी तक मैंने बैंक से पेमेंट नहीं किया यहाँ पे, ये चीज़ और ध्यान रखना, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, तभी वीडियो समझ में आएगी। पेमेंट करने वाले सीन में क्या करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि पेमेंट जब हमें करना था तो उस सीन में हम क्या करेंगे। ठीक है, 8,219, ये भी 8,219 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम फरवरी पे आते हैं, इसको भी मैं येलो कर देता हूँ। अब हम आते हैं फरवरी के ऊपर, फरवरी में हमने कितना क्लेम करा है 6,606 रुपये और देना कितना 4,394। ठीक है साहब, फरवरी में आ जाते हैं, 6,606 क्लेम किया है, देना कितना 4,394, ये कह रहा है IGST से कितना सेट ऑफ किया है 3,354 और CGST और SGST से 520 520। ठीक है, तो मेरे को 3,354 रुपये सेट ऑफ करना है, 1,677 मैंने CGST के सेट ऑफ करना है, 1,677 मैंने SGST के, क्योंकि दोनों क्रेडिट आ रहे हैं। अपने टैली के ऊपर चलते हैं, वाउचर में आएंगे, F2 करेंगे, 28/2/2019। अच्छा भाई क्या हो गया भाई साहब, आप चेंज नहीं हो रहे, ये एजुकेशन मोड पर चली गई है, मैं इसको रीएक्टिवेट कर लेता हूँ एक बार, बिकॉज मेरी दूसरे सिस्टम पे टैली चल रही है। तो गाइस ऐसे रीएक्टिवेट करते हैं, साथ के साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई वीडियो में करते हुए हमें कि रीएक्टिवेट कैसे करते हैं, तो ये भी आप साथ के साथ सीख सकते हैं, बिकॉज मेरी दूसरे सिस्टम पे टैली चल रही थी, तो हो सकता है कि उस कारण यहाँ पे सरेंडर हो गई। देखिए यहाँ पे अभी लाइसेंस मोड में हो गई है, साथ के साथ आपने एक एडिशनल चीज़ और सीख ली है, हम डाटा खोलेंगे, डाटा कंफिगरेशन के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, तो टोटली प्रैक्टिकल वीडियो हम अपने चैनल पर बनाते हैं, तो आप वो जाके वहाँ भी देख सकते हैं। 28/2/2019 में आएंगे, 28/2/2019 में आने के बाद मुझे कितना सेट ऑफ करना है, 1,677 CGST का, 1,677 SGST का, तो सही है भैया कर देते हैं, CGST 1,677 डेबिट SGST 1,677 एंड क्रेडिट IGST कितना है 3,354, लेदर में आ जाते हैं 3,354 यहाँ पे IGST से सेट ऑफ हुआ है। टोटल अब हमारा कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 10,431। F7 जनरल से पास हो गई है एंट्री,
टैली पे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिखा रहा है हमारा फरवरी, 10,431, और हमारा लेजर क्या बता रहा है, 10,431, ये भी मैच हो गया। इस तरीके से वन बाय वन रिकनसाइल कर सकते हैं आप। अब हम 7,142 इस पर आ जाते हैं, ठीक है भैया, हम इस पर आ जाते हैं। मार्च, मार्च हमारा क्या कह रहा है कि 7,037 रुपये हमने आई टी सी क्लेम किया, 10,326 देने हैं, तो 7,037 रुपये आई टी सी क्लेम किया, यहाँ पर भी लेजर में आ रहा है 10,326 देने हैं, टोटल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 7,142। आई जी एस टी से कितना दे रहे हैं, 6,946 रुपये, और 1,690 हमने आई टी सी क्लेम, यहाँ पे सी जी एस टी क्लेम किया था, 1,690 सी जी एस टी हमने दे दिया। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और हमें मार्च में कितना पे करना है, 3,473, 3,473 सी जी एस टी एच जी एस टी का, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है साहब। सी जी एस टी 3,473, एच जी एस टी 3,473 और आई जी एस टी, डेट चेंज कर लेंगे यहाँ पे, डेट का ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट डालेंगे जिस महीने की भी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब आते हैं यहाँ पे हम, अब यहाँ पे मेरा क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 7,142 कितना हो रहा है, 7,142 लेजर में कितना हो रहा है, 7,142 रुपये आई टी सी, ठीक है। अब अगर मैं टैली में बाहर आता हूँ, जो कि पहले सीन था, पहले सीन क्या था कि सब लेजर में फिगर मेंटेन हो रही थी, अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो खाली आई जी एस टी आ रहा है, तो ये हमने रिकनसाइल करा इस तरीके से। पहले क्या हो रहा था, सी जी एस टी और एस जी एस टी की फिगर आ रही थी, अब खाली आई जी एस टी में 7,142 आ रहे हैं। और अगर मैं अपने पोर्टल के डैशबोर्ड पे आता हूँ, जो कि मेरा अभी लॉग आउट हो गया बिकॉज हम लेजर के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, तो मैं एक बार पोर्टल भी लॉग इन करके दिखा देता हूँ आपको। गाइस बहुत टेक्निकल वीडियो है, पर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली जब आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे तभी आपकी यूज़ में आने वाली है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने पे यहाँ पे 7,142 आई जी एस टी के कॉलम में आ रहा है। मेरी टैली क्या कह रही है, टैली भी कह रही है 7,142 आई जी एस टी के कॉलम में आ रहा है। एफ सिक्स करके हम मंथली करके एक बार देख लेते हैं क्या सीन है, तो वो सीन यहाँ पे सारा क्लियर हो रहा है। कैसे क्लियर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 90 रुपये, यहाँ पे 90 रुपये अगस्त के, यहाँ 2836, यहाँ पे 2836, लास्ट में 7,142। मैं वैसे बीच में सब बोल्ड करता आ रहा हूँ, तो वीडियो और लंबा वैसे ही बहुत हो गया, और लंबा ना हो तो मैं एक करके सब बताऊंगा नहीं, यहाँ पे मैंने इसको येलो कर लिया, तो 7,142। तो गाइस ये सबसे सिंपल फंडा है अपने इलेक्ट्रॉनिक, अपने टैक्स के लेजर को जीएसटी पोर्टल के क्रेडिट लेजर के साथ मेंटेन करने का। वीडियो में अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक एंड डिसलाइक जरूर करें, आप लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।